बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट को कर दिया है डीएक्टिवेट, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने पर अपने गम को लोगों से शेयर करने के बाद सोनाक्षी का उस बात को लेकर काफी मजाक उड़ाया गया। पर जो सभी को हमेशा खामोश करती है, एक बार फिर उन्होंने वही किया। सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर कर सभी को ट्विटर छोड़ने की खबर दी। 21 जून 2020 को सोनाक्षी ने एक छोटा वीडियो सभी से शेयर किया जिसमें वो चुटकी बजाकर गायब हो रही हैं और उन्होंने उस पे ये भी लिखा कि कैसे वो ट्विटर और उसकी नेगेटिविटी से दूर हो गई हैं। इस पोस्ट में सोनाक्षी ने कहा, कुछ लोग ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ जीता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हें लग रहा है ना, लगने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये तो है कि मैंने अपनी लाइफ से डायरेक्ट इंसल्ट और अब्यूज का सोर्स को निकाल दिया है। मैंने तुमसे, तुम्हारी, मुझे, मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को कभी भी कुछ भी कहने की शक्ति को छीन लिया है जो मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें दी थी, और यहाँ सिर्फ एक इंसान जीता है और वो हूँ मैं। सोनाक्षी ने आगे कहा, तुम्हारी नेगेटिविटी ने कभी मेरी कोई मदद नहीं की है, इसलिए मुझे सिर्फ चुटकी बजाने जितना वक्त लगा 16 मिलियन फॉलोअर्स को जानने देने के लिए जो मैंने पिछले 10 सालों में कमाए थे। मैं उन सभी हेटर्स और ट्रोलर्स के लिए ढेर सारा प्यार और इलाज दुआ करती हूँ। तुम अपनी हेट को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन याद रखना वो मुझ तक कभी नहीं पहुँचेगी। सोनाक्षी ने इसी के साथ साथ अपने फैंस को भी उनका साथ देने के लिए धन्यवाद किया और सभी से प्यार बांटने की विनती की।